वेलकम टू माय चैनल। अभी सुबह के बज रहे हैं 10:15 लगभग, करीब 10:15 बज रहे हैं। अभी उठा हूँ, अभी उठ के फ्रेश होऊंगा, उसके बाद आपको वापस मिलता हूँ। सो गाइस, नाउ मैं फ्रेश होके ब्रश और सब करके आ चुका हूँ। तो अब मैं मौसम चेक कर रहा था, वेदर चेक कर रहा था, और ये देखो बारिश का मौसम है। आज मैं खेलने भी नहीं जा सकता। मैं रोज हर हॉलीडे में, हर वीकेंड में शाम को खेलने जाता हूँ, और आज मैं खेलने भी नहीं जा सकता। वेरी सैड गाइस। आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ, एक सेकंड। हमारे घर के बाहर बहुत सारी चिड़िया, एक पेड़ है हमारे घर के बाहर, तो वहाँ पे बहुत सारी चिड़िया हैं, उनको चुगा देते हैं हम, तो वो आपको अभी दिखाऊंगा। एक मिनट, चप्पल कहाँ है? अब सुनाई दे रहा है? बहुत सारी चिड़िया हैं, आइए देखिए गाइस। ये हमारा पेड़ है, हमने तो नहीं उगाया पर पेड़ है, जो हम यहाँ आए थे तो पेड़ था। और वहाँ देखिए, हमने चिड़िया के लिए पानी, उनके लिए चावल, उनके लिए बहुत सारी चीज़ें, जैसे ये मूंग हो गए, बहुत सारी चीज़ें हमने खाने के लिए उनके यहाँ पर रखी हुई, और हम उन्हें रोज़ वो डालते हैं, चुगा देते हैं, जिनसे वो अपना खा सके। तो हमारे उनसे दोस्ती भी हो गई है। और अभी थोड़े थोड़े शावर आना स्टार्ट हो गया है शायद से, तो बस यही मौसम है। ये हमारे पास का घर है, ये हमारा घर है, और ये मेरी साइकिल है, दिख रही है आपको? ये तो ये मेरी बाइसाइकिल है। और यहाँ पे पूरा ये गार्डन हमने छोटा सा लगा रखा है, पेड़ पौधे यहाँ पे फूल उगते हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें भी हैं, तो आपको आगे व्लॉग्स में भी देखने को मिलेगी। अभी शायद आपको कैमरा की क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं आ रही होगी, क्योंकि अभी अभी स्टार्ट किया, तो मेरे पास कोई कैमरा तो नहीं है, मैं फ़ोन से ही ब्लॉग कर रहा हूँ। और बाकी ये देखिए, अच्छा सा गार्डन है, ये दिखता अच्छा है पर इसके अंदर बहुत सारे कीड़े मकोड़े रहते हैं। और ये हमारा गेट है, तो इधर से अंदर आते हैं, और वहाँ पे साइकिल्स खड़ी हैं, और फिर चलते हैं यहाँ। तो यहाँ पे ऐसा कुछ है, यहाँ पे एक पाइप लगा रखा है ताकि पौधों को पानी दे सके। और ये हमारा, आपको एक चीज़ बताता हूँ, मुझे फुटबॉल खेलना, यानी कि मुझे सॉकर खेलना बहुत पसंद है, बहुत 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 पसंद है। मेरे पास कितने 3 सॉकर बॉल्स हैं, 3 नहीं 4 होगी, उनमें से एक फट गई, एक गुम गई। तो अभी अंदर आता हूँ, बाहर तो बहुत 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 ज़्यादा ठंड है, तो बाहर तो कहीं जान नहीं सकते, तो अब घर में बैठ के अपन करेंगे पढ़ाई, वी विल स्टडी, पर उससे पहले नाश्ता कर लेते हैं। तो अब मैं जाता हूँ सेकंड फ्लोर, हमारे घर में सेकंड फ्लोर भी है, तो चलते हैं। पर यहाँ पे छत तो नहीं है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, यहाँ पे छत तो नहीं है, तो चलते हैं। तो एक हमारे घर में 4 कमरे, तो उसके अंदर सेकंड फ्लोर में बीच वाले कमरे में ये सब रखे हैं, देखिए बहुत प्यारे प्यारे गुलाब। तो ये अभी सर्दियों में तो इनका हो जाएगा कल्याण, तो अभी गर्मियों में देखेंगे इनको लगाएंगे। बाहर जो आपने वो जगह देखी ना, जहाँ मैंने बोला था कीड़े मकोड़े,
तो वहाँ पे एक बार पूरी अच्छे से साफ सफाई करके फिर आराम से इन गुलाब को लगाएंगे। मुझे और सबको हरियाली बहुत पसंद है। आप भी कमेंट करके बताना आपको पसंद है या नहीं। और फिर ये है, ये आपको मैं बताता हूँ, ये है मेरा स्टडी रूम, या समझ लीजिए मेरा रूम है। ये बहुत छोटा सा है पर यहाँ पे एक कंप्यूटर है, और कंप्यूटर है, प्रिंटर है, एक प्रिंटर है, और कीबोर्ड है, माउस है, और मैं यहाँ पे ड्राइंग्स भी बनाता हूँ। तो ये मेरी ड्राइंग्स है, और ये मेरी स्टडी टेबल भी है, ये मेरी ड्राइंग टेबल भी है। पर अब मेरा अधिकतर काम तो मेरा उसमें होता है, क्या कहते हैं, ये मैकबुक में या अदर कंप्यूटर कंप्यूटर का काम होता है। तो वैसे मैं ये मैकबुक में कर लेता हूँ तो इधर ज़्यादा आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर जब जैसे प्रिंट करना हो गया या कोई हैवी काम करना होता है ना जो मैकबुक के अंदर पॉसिबल नहीं है, जैसे बहुत बड़ी डिज़ाइन बनानी हो या ड्राइंग करनी है, तो ड्राइंग करना यहाँ पे बहुत आसान रहता है। यहाँ पे इधर बैठ जाता हूँ, यहाँ पे करता रहता हूँ। तो ऐसा है मेरा सिस्टम, तो बस यही है। जुगाड़ करता हूँ मतलब जैसे ये पेरिस सेंट जर्मन फुटबॉल क्लब की ड्राइंग बना रहा था, तो कंपास की जगह मैंने ये यूज़ कर लिया अपने नॉर्मल। और मैं आपको बाकी अपनी ड्राइंग्स भी बताऊंगा आपको बाद में। ये तो फर्स्ट हो गया, ज़्यादा लंबा हो जाएगा। पर ये है हमारा, ये है मेरा रूम। तो इधर हाँ आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, ये मेरे ऊपर मेडल्स हैं, मेडल्स के हैं रिबन्स हैं। तो ये मैं फर्स्ट आया था, फर्स्ट आया था और फर्स्ट आया था और एक पार्टिसिपेंट का मिला था कि मैंने पार्टिसिपेट किया उसका, और दो में फर्स्ट आया था। तो ओलंपिक्स ओसाका, ओसाका नहीं है, मेरे स्कूल के ओलंपिक्स नाम दिया हुआ है ओसाका ओलंपिक्स, पर मेरे मेरे क्लास के ओलंपिक्स में मैं फर्स्ट आया था 2 बार। तो वो है मेरा। और ये देखिए, ये वर्ल्ड मैप लगा रखा है दीवार पे, और इसके अंदर समझो जो भी काम होता है, कुछ भी होता है, तो वो सब यहाँ पे करने में बहुत आसानी रहती है क्योंकि यहाँ पे सब है ना। ये देखिए, और ये मैंने अपने एक 3D डिज़ाइन से प्लेन बनाई थी और फिर 3D प्रिंट किया था। तो ये वन ऑफ माय रिसर्च और अचीवमेंट्स है, वेरी गुड। तो बस यही है मेरा रूम, तो और तो कुछ दिखाने को है ही नहीं। मेरे बहुत सारे खिलौने पड़े हुए हैं, बस और तो कुछ नहीं है। और तो आपको दिखा दिया था मैंने, रोज़ दिखा दिए थे। और हमारे आगे वाले का घर ये रहा, मेरे सामने वाले का घर ये है, ये वाला। तो बड़ा घर है, अच्छा है। तो ये गोल्फ खेलते हैं, तो उसके लिए इन्होंने देखिए नेट लगा रखे हैं। और बाकी तो हमारे पड़ोस में ही है, पर ये बहुत बड़ा घर है जो खेती करते हैं यहाँ पे अपने खुद के। और उनके भी एक गाड़ी है, एक पूरा अच्छा सा मैंशन बना रखा है। तो अच्छा है, हरियाली है। तो जापान में रह के एक चीज़ बड़ी ऐसी लगती है कि यहाँ पर हर जगह हरियाली रहती है। तो और एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये मैंने एयरप्लेन की बनाई थी, पर इसके अंदर बहुत सारे ऐसे वर्ड्स से ये एक इमेज बनी है। इन वर्ड्स में वर्ड्स हैं लाइक पेरोव्स्काइट सोलर सेल्स, इलेक्ट्रिक, एयर ट्रांसपोर्टेशन, एयरप्लेन, बैटरीज, इलेक्ट्रिक, सोलर सेल्स, सोलर पैनल्स, एफिशिएंसी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैंने अपने स्टडी टाइम में रिसर्च की थी और इन्हें बनाया था, तो इन्हें यहाँ पर रखा है।
अभी लास्ट ईयर ही मैंने बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट किया था एयरप्लेन्स के ऊपर, तो उसके ऊपर ये पोस्टर है। तो आप भी चाहो तो इसे QR कोड को स्कैन करना, मैं इसकी फ़ोटो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो और तो बस कुछ नहीं है भाई, एक मैंने और पोस्टर बनाया था और ये कुछ पेंटिंग्स बनाए थे। अरे काम की चीज़ तो भूल ही गए। बताए सेकंड फ्लोर क्यों आया था? मैं आया था मेरी मैकबुक का चार्जर लेने। और एक मिनट रुको, मेरी मैकबुक का चार्जर कहाँ गया? ये मिल गया, मेरी मैकबुक का चार्जर थोड़ा सारी मैकबुक से थोड़ा अलग है, आपको बाद में बताऊंगा क्यों। तो बस यही था, ये हमारा बेडरूम है, तो यहाँ पे सोना करना होता है सब। अब चलते हैं, सुबह सुबह तो भजन और भक्ति बहुत अच्छे लगते हैं ना, तो इसलिए हमने यहाँ पर वो भी लगा रखे हैं। अभी सुबह सुबह भजन भी लगा रखे हैं। तो हाँ, नाश्ता भी बन गया। नाश्ता तो क्या बना, दूध बन गया है। जी, दूध बन चुका है, तो ये बहुत अच्छा है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो अभी मैं इसे पियेंगे, फिर शक्ति आएगी। गाइस अभी नाश्ता आ चुका है, तो ये है मेरा नाश्ता, दूध और नमकीन चावल। तो ये जापनीज राइस है, ये इंडियन राइस से अलग होते हैं और टेस्ट में भी बहुत बढ़िया होते हैं। तो बस इन्हें खाएंगे, फिर करेंगे पढ़ाई, तो आपको पढ़ाई के टाइम मिलता। अभी नाश्ता और सब हो चुका है, तो अब चलते हैं और करते हैं पढ़ाई। आपको मैं अभी दिखाता हूँ, अभी यहाँ पे बहुत सारी चिड़ियाँ आई हुई है, मैं आपको अभी बताऊँगा। एक सेकंड, एक सेकंड। बहुत मस्त मस्त लगता है, हरियाली भी है और चिड़िया भी। मैं सेकंड फ्लोर में हूँ तो आसानी से दिख जाएगी। कांच तो नहीं खोलूंगा, पर ज्यादा नहीं है, ज्यादा नहीं है गाइस। पर अभी मैं जब फर्स्ट फ्लोर पे था तो बहुत सारी चिड़िया थी, मैं सोचा आपको दिखा दूं, फिर कभी दिखाऊंगा आपको, दिखाऊंगा। चलो तो चलते हैं, पढ़ाई करते हैं। अभी पहले मैं मेरा मैकबुक को लगा देता हूँ चार्ज में, क्योंकि ज़्यादा चार्ज नहीं है, इससे फिर एडिटिंग भी करनी है, तो चार्ज में लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चार्ज में तो हमारी मैकबुक लग चुकी है और अब हम करते हैं पढ़ाई। आपको मैं मेरा पढ़ाई का सिस्टम बताऊंगा, आपको देखना। तो ये है मेरा स्कूल बैग, ये आप देख पा रहे हो, ये मेरा स्कूल बैग है। तो मुझे रोज स्कूल जाता हूँ, तो आपको पता है ना कि आज संडे है। ये व्लॉग एक दिन लेट चल रहा है क्योंकि मैं आज शूट कर रहा हूँ, तो एडिट करके मैं आज रात को या कल सुबह तक अपलोड कर दूंगा। तो अपलोड करने के बाद आप देखना, तो आप देखोगे तब तक हो जाएगा, कल हो जाएगा या परसों भी हो सकता है, आप देखोगे तब तक। तो अभी तो वही कर रहा हूँ, तो फिर तो मैं, आज संडे है यानी कि आप देखोगे तब कल होगा, मंडे होगा। पर मंडे टू फ्राइडे मेरा स्कूल चलता है, तो अब से तो आपको मैं स्कूल जाऊंगा तब भी दिखाऊंगा, बहुत मज़ा आता है। मज़ा तो क्या आता है, ज़्यादा नहीं आता, पर मैं ट्रेन में जाता हूँ और बस में जाता हूँ, तो आपको दिखाऊंगा थोड़ा जापान में, जापान में ट्रेन कैसी होती है, जापान में बसेस कैसी होती है,
और कैसे उनको यूज़ करना होता है, तो वो सब मैं आपको कल बताऊंगा। कल के आप व्लॉग ज़रूर देखना। एक मिनट, तो अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं। एक मिनट रुको, मैं एक चीज़ तला नहीं भूल गया। गाइस मैं आपको बताऊँ क्या बोल रहा था। मैं अपना पेंसिल केस जो है, ज्योमेट्री बॉक्स इंडिया में बोलते हैं, वो मैं नीचे फर्स्ट फ्लोर पे भूल गया था, तो वो ले आया हूँ। तो अब पढ़ाई करते, तो आपको मिलता हूँ पढ़ाई करते हुए। सो गाइज मेरा जैपनीज का काम कंप्लीट हो चुका है, और जो मेरा होमवर्क था कि 5 kanjis को प्रैक्टिस करना है, ये देखिए पूरा अच्छे से मैंने लिख लिया है। तो मेरा होमवर्क तो कंप्लीट हो गया है, अब एक्स्ट्रा पढ़ाई भी करेंगे और थोड़ा ब्रेक चाहिए। आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, ट्राई करता हूँ दिखाने की, शायद ना भी दिखा पाऊँ। एक काम करते हैं, वापस चिड़िया के उधर चलते हैं, शायद चिड़िया हो। आवाज़ तो नहीं आ रही है। नहीं गाइस चिड़िया तो नहीं है, और बारिश भी अब हो चुकी है। और आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, पहले जब हम वहाँ आए थे ना, तो वो जो खुला मैदान दिख रहा है ना, वहाँ पे एक घर था, और वहाँ पे एक नया घर बनाने के लिए वो घर तोड़ दिया है। अब शायद कोई नया घर बनेगा, तो देखते हैं कैसा बनेगा। तो बस बस पढ़ाई हुई है, अभी आपको टाइम दिखाता हूँ। एक मिनट, तो अभी का टाइम है 12:15। ये देखिए नहीं दिख रहा होगा, मैकबुक में है तो थोड़ा सही नहीं दिख रहा होगा, पर 12:15 हो चुके हैं। तो बस अब जाते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं, खाना वाना खाते हैं। खाना खाने के बाद देखते हैं क्या करते हैं, पढ़ाई करेंगे थोड़ी, क्योंकि आज खेलने तो जा नहीं सकते, वरना मैं खाना खाता, थोड़ी ड्राइंग करता, खेलने जाता। मैं आपको मैंने पहले भी बताया ना इस ब्लॉग के अंदर ही कि मुझे फुटबॉल बहुत पसंद है, तो मैं लगभग 3 घंटे फुटबॉल खेलता हूँ वीकेंड्स में, हॉलीडेज में। तो वो भी वहाँ भी मैं आपको व्लॉग बना के दिखा था। कल शायद मैं जाऊँगा, मेरी बॉल वहाँ पे है, तो कल शायद मेरा जाने का है। तो कल स्कूल से आके मैं जाऊँगा, तो आपको बताऊँगा। ठीक है, चलो आप खाना खाते हैं, तो खाना खाने चलते हैं, देखते हैं खाने में क्या होगा। शायद से चावल ही होंगे या कुछ और भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। खाने में क्या है, छोले कुछ ना कुछ है, अभी खाना बना ही नहीं। तो गाइस अभी खाना तो बना है नहीं, अब वापस से और पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो गाइस अब खाना बन गया है, तो देखते हैं क्या बना है। अरे वाह, भिंडी बनी, तो भिंडी की सब्जी रोटी खाएंगे, फिर और कुछ करेंगे। अभी तो मेरा फ्री टाइम होगा थोड़ा, खाना खाने के बाद, और उसके बाद थोड़ा
थोड़ा करेंगे कुछ ना कुछ, क्योंकि खेलने तो जा नहीं सकते। देखिए बारिश हुई है जबरदस्त, अभी भी हो रही है, तो खेलना तो आज बारिश बंद भी होती है फिर भी वहाँ पे तो सब गीला रहेगा, इसलिए क्या कर सकते। चलो अब खाना खाते हैं, फिर मैं आपको मिलता हूँ। तो गाइस खाना अब बन चुका है और मैं आपको अभी मेरा सेटअप दिखाता हूँ कि मैं कैसे रोज़ खाना खाता हूँ। तो ये कमरे में आके यहाँ पे देखो दरी बिछाई हुई है, अब यहाँ पे दरी ये मैंने खाना रखा हुआ है, यहाँ पे ही मैं दरी में दरी पे आराम से यूं बैठ जाऊँगा और खाना भी खाऊँगा और मनोरंजन के लिए सामने वो भी है टीवी भी है, तो आराम से कंफर्टेबली अपने बैठ के आराम से खाता हूँ मैं। तो ये मेरा नॉर्मल जुगाड़ है खाने का, बाकी जुगाड़ तो क्या है, सही है, एक्सरसाइज भी होती है आलती पालती मार के बैठते हैं करते हैं तो। और यहाँ पे टेबल भी है, मैंने कहा था ना आपको ड्राइंग्स का, यहाँ पे मेरी एक ड्राइंग यहाँ पे है, ये मैनचेस्टर सिटी जो फुटबॉल क्लब है उस फुटबॉल क्लब का लोगो है, तो वो मैंने बनाया था। ये इसको बनाने में लगभग मुझे 1-1.5 घंटा लगा था पूरा फिनिश करने में। तो हाँ मेरे इसके तरह से बहुत सारी ड्राइंग्स हैं, एक फोल्डर में पड़ी है, मैं आपको बाद में अवश्य ज़रूर बताऊँगा। तो अभी चलो खाना खाता हूँ, फिर मिलते हैं। सो गाइस अभी पढ़ाई वढ़ाई हो गई है और मैं तो बस अभी अपनी इस व्लॉग की एडिटिंग कर रहा था, तो अभी टाइम हो चुका है 4 बजने वाले हैं, तो 4 बजने वाले हैं, तो आप कुछ खा लेते हैं एडिटिंग फिर वापस से कर लेंगे। बाकी एडिटिंग करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, देखिए एडिटिंग कर रहा हूँ मैं, पता भी चल रहा है कि ऐसे व्लॉग बना है तो बहुत अलग सा फील हो रहा है। तो अब कुछ खाते हैं फिर मैं आपको वापस से मिलता हूँ। तो गाइस अभी मैं अपना शाम का खाना वाना करके आ चुका हूँ और थोड़ी देर मैंने रेस्ट भी कर लिया था, तो अभी टाइम हो रहा है, आपको 1 मिनट दिखाता हूँ, अभी टाइम हो गया है 5:30 और अभी टाइम चल रहा है 5:39। तो अब देखते हैं पढ़ाई करता हूँ थोड़ी देर फिर वापस डिनर करेंगे, फिर कल भी मैं सुबह सुबह व्लॉग बनाऊंगा, तो कल भी वापस जल्दी उठना है, स्कूल भी जाना है, तो स्कूल का भी आपको थोड़ा व्लॉग में दिखाऊंगा और बस ट्रैवलिंग के टाइम भी आपको थोड़ा दिखाऊंगा, तो जल्दी उठना पड़ेगा, तो जल्दी उठूंगा तो जल्दी सोना पड़ेगा, तो जल्दी सोएंगे फिर खाना खाने के बाद। तो चलो मैं आपको पढ़ाई करने के बाद मिलता हूँ। तो गाइस अब पढ़ाई वढ़ाई सब हो चुकी है, तो अब सबसे पहले हम नहा लेते हैं क्योंकि सुबह से नहाए नहीं है, एक्सपोज कर रहा हूँ, पर अभी सुबह सुबह नहाने में ऐसी ठंड लगती है और जापान के नागरिक जो हैं वो अधिकतर रात को नहाते हैं क्योंकि रात को नहाने से उनकी थकान और सब उतर जाती है। गर्मियों के टाइम मैं भी सुबह सुबह नहाता हूँ क्योंकि उससे पॉजिटिविटी आती है, कभी कभी छुट्टी के टाइम भी मैं भी कभी कभी चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो मैं भी कभी कभी सुबह सुबह नहाता हूँ, पर आज बहुत ज़्यादा ठंड थी आपने देखा, तो अब क्या करें, अब नहाएंगे फिर पूजा करेंगे फिर खाना खाएंगे, तो मैं आपको मिलता हूँ नहाने के बाद। मैं ना के आ चुका हूँ, तो अब बस पूजा करते हैं और फिर खाएंगे छोले की सब्जी और रोटी, उसके बाद जल्दी से सो जाएंगे ताकि मैं आपको सुबह भी अपना रूटीन दिखा सकूँ। ओके लेट्स डू इट। तो गाइस मैंने खाना खा लिया है, बहुत टेस्टी था, तो अब जल्दी से एडिटिंग करता हूँ और फिर सो जाता हूँ,
कल रात को भी सुंदरकांड का हमने पाठ किया था, तो लेट हो गया था सोते सोते, तो बस जल्दी से सोते हैं। तो मैं इस व्लॉग को करता हूँ एंड, तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और वेबल्स व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कल भी बहुत मज़ेदार मज़ेदार आपको चीज़ें दिखाऊंगा, तो आप वो देखना नेक्स्ट व्लॉग में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।